हेलो बच्चों, आज जो है हम जो वीडियो डाल रहे हैं SCI SCF UPPSI और बैंकिंग रेलवे और हिंदी टेस्ट जो बच्चों विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बड़े ध्यान से देखना और इसे नोट कर लेना। अक्सर जितने कंपटीशन सरकारी सर्विस के लिए कंपटीशनों में जो पूछा जाता है, ये वीडियो जो है मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए हम जो वीडियो डाल रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आपके पास काबिलियत है, अगर आपके पास योग्यता है, काबिलियत है, तो आप हर प्रकार की सर्विस के लिए अधिकारी हैं। इसलिए तैयारी करें। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जिस रोग का ठीक होना असंभव है, जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द होगा, के लिए एक शब्द होगा, ये कई बार आपने स्कूल में विद्यालय में पढ़ा होगा। तो देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है? संक्रामक, असाध्य, महामारी, विकट। तो इसमें कौन सा सही होगा? जिस रोग का ठीक होना असंभव है, जो रोग ठीक नहीं हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे? वो कौन सी बीमारी होगी? तो यहाँ पर बच्चों नंबर ब आएगा, है ना? नंबर जो है यहाँ पर ब आएगा, असाध्य। असाध्य, उस बीमारी को असाध्य कहते हैं। बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए और जो है पढ़ाई करते रहो। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए, साकार, निराकार, विकार, प्रकार, है ना? तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा, क्योंकि जो बच्चा SPG क्लासेस देखता है और जिस विषय से रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं, बच्चा योग्य हो जाता है, वही बच्चा जो है आगे भी बढ़ता है। तो यहाँ पर नंबर बा सही होगा, निराकार। नंबर बा सही होगा, निराकार। होता ये शॉर्टकट का रास्ता आपको बहुत परेशान करेगा। शॉर्टकट का रास्ता नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आगे बढ़ो। है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, अचिंत्य। इसमें से कौन सा होगा? जिसमें संदेह ना हो, यहां पर बा नंबर ऑप्शन सही होगा, असंदिग्ध। असंदिग्ध बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, हाथ से पकड़ करके अगर जो हथियार चलाते हो तो उसको क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द है, अस्त्र, शस्त्र, गांडीव, धनुष। गांडीव जो है अर्जुन के धनुष का नाम था, गांडीव। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। तो यहां पर बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलिए? हाथ में लेकर चलाया जाने वाले हथियार को नंबर ब ऑप्शन सही होगा, शस्त्र। नंबर ब ऑप्शन सही होगा, शस्त्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा। जो छाती के लिए बल, छाती के बल जो जीव चलते हैं उनको क्या कहोगे? ऑप्शन देखिए, उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग, है ना? उरग, भुजंग, कुरंग और तुरंग, यहां पर बताइए क्या सही होगा? देखो, उर माने छाती होता है और ग माने गमन करने वाला, छाती के बल चलने वाला, इसलिए यहाँ पर नंबर आ ऑप्शन सही होगा, उरग। उरग ऑप्शन सही होगा, उरग।
अगला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर कि मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द होगा, चकोर अच्छी, मीनाक्षी, मृगनयनी, है ना। चकोर अच्छी, मीनाक्षी, मृगनयनी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। मीनाक्षी नंबर सा ऑप्शन होगा, मीनाक्षी, सोनाक्षी सिन्हा, है ना, सोनाक्षी, सोन अच्छी, अच्छ माने आँख होता है, मीनाक्षी, मीन धन अच्छी, मीन माने मछली होता है, अच्छी, अच्छी माने आँख, अच्छी माने आँख। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हवन की सामग्री के लिए एक शब्द होगा, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन देखिए, छवि, हवि, कुंड, रवि, यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर बच्चों नंबर बा ऑप्शन सही होगा, हवि, जो हवन की सामग्री होती है ना, हवन में जो डाला जाता है सब सामान, उस सामान को जो है हवि कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है, ऑप्शन देखिए, निरापद, अजेय, अनाक्रांत और स्वतंत्र। देखो अगर ध्यान से देखो, क्योंकि आप ये एसपीजी क्लासेज के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम हो गया होगा, हम जानते हैं मालूम हो गया होगा, आप आइडिया लगा लेते हो, तो यहाँ पर बच्चों नंबर सा ऑप्शन सही होगा, अनाक्रांत, अनाक्रांत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आदिकाल का एक अन्य नाम है, आदिकाल का एक दूसरा भी नाम है, तो इस ऑप्शन देखिए, स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। यहाँ पर नंबर बा ऑप्शन सही होगा, सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, वीर गाथा काल के ग्रंथों की भाषा है अवधी, मैथिली, डिंगल पिंगल, अपभ्रंश, तो बच्चों यहाँ पर नंबर सा ऑप्शन सही होगा, डिंगल पिंगल, है ना, आदि काल के ग्रंथों की भाषा है डिंगल पिंगल। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काव्य की विशेषता है, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य रचना, तो यहाँ पर बच्चों आपका सही ऑप्शन होगा, युद्धों का सजीव चित्रण, ये आपकी वीर गाथा काल की विशेषता है, युद्धों का जो है चित्रण, सजीव चित्रण। बताएं जो आदिकाल के कवि थे, वो जो राजा महाराजा लड़ने जाते थे उनके साथ खुद युद्ध में जाते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान जाते थे, चंद्रबरदाई भी उनके साथ जाते थे, इसलिए आंखों देखा वर्णन वो लोग युद्ध में करते थे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, अब्दुल रहमान, नरपतिलाल, अमीर खुसरो, धनपाल, तो यहाँ जो है सा ऑप्शन सही होगा, अमीर खुसरो, ये जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, बहुत ध्यान रखना आप लोग, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये तो आपको आता होगा, सबरपा, सरहपा, लुईपा, कंडपा, तो यहाँ पर बच्चों नंबर बा आएगा सही, सरहपा। इसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास के कवि का नाम है, ऑप्शन देखिए, दलपत विजय, मुनि जिन विजय, अदेवसेन, कुकुरिपा, बहुत अजीब नाम है, बहुत बढ़िया नाम भी है, तो यहाँ पर मुनि जिन विजय आएगा, क्या आएगा, मुनि जिन विजय। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, नानक, ज्ञानाश्रय शाखा कवि नहीं है, यहाँ पूछेगा, नानक, दादू, केशव, मलूक दास, यहाँ पर बच्चों केशव आएगा, केशव जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, है ना, बाकी सब ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, अखरावट,
अखरावट जो है आदिकाल की रचना नहीं है, इसलिए नंबर द ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद बच्चों, इस तरह से